नमस्ते। श्रीमद् भगवद् गीता का पहला अध्याय सीखने के बाद मैं दूसरे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को दो बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। आफ्टर हैविंग लर्न्ड द फर्स्ट चैप्टर, आई वेलकम यू फॉर लर्निंग टू चैंट द सेकेंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद् गीता एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग गीता चैंटिंग सीरीज ऑन द चैनल। I'll chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Dehe nosmin yatha dehe kaumarai yauvanam jara tatha dehantara praptihi धीरस्तत्र न मुह्यते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। देहे नोस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। Just as how for an indweller of the body there is childhood, youth and old age, so too is the gaining of another body. With reference to this, a wise person does not get deluded. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukha खदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितीक्षस्व भारत। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विद मी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। ओ सन ऑफ कुंती, व्हेन द सेंसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, वन एक्सपीरियंसेस कोल्ड, हीट, हैप्पीनेस एंड सोरो। दे हैव अ बिगिनिंग एंड एन एंड एंड दस They are transient. Bear them, O descendant of Bharat, says Krishna. Yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha samadukha sukhandhiram सोमृतत्वाय कल्पते। अब आप मेरे साथ बोल सकते हैं। यू कैन प्लीज चैंट अलोंग विथ मी। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कृष्णा आगे कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले
जिस धीर पुरुष को ये व्याकुल नहीं कर सकते हैं वह व्यक्ति अमृत तत्व का अधिकारी होता है। ओ अर्जुना, द प्रोमिनेंट अमंग मेन, द वाइज whom the sukh and dukh do not disturb or affect, who is the same in pain and pleasure, and who is discriminative, is fit for gaining liberation. Na sato vidyate bhavah, na bhavo vidyate satah, ubhayorapi drishti दृष्टोन्तः त्वदर्शिभिः। असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। फॉर द अनरियल दैट इज मिथ्या देर इज नेवर एनी बींग, फॉर द रियल there is never any non-being. The ultimate truth of both of these is seen by the seers of the truth. इस प्रकार इन श्लोकों में कृष्णा पारमार्थिक दृष्टि यानी आत्म स्वरूप की दृष्टि से अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। इसी दृष्टि से कृष्णा इस अध्याय के 25वें श्लोक तक आत्म स्वरूप का वर्णन करेंगे। दस In these verses, Krishna is speaking from the highest standpoint of Atma Swarupam, which is the real nature of everyone. He will further explain the nature of Atman till 25th verse of this chapter.